अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सबके सब? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं कि आप लोग कैसे हैं। एंड मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ जो है प्योर सीमेंट का ट्यूटोरियल शेयर करूँ, फ्रेश प्योर सीमेंट का। एज यू नो कि मैं काफ़ी टाइम से जो है ओल्ड मतलब रीयूज सीमेंट यूज़ कर रही थी, जो कि बहुत सॉफ्ट, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा लाइक फ्लफी था। फ्लफी ये भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी जो लाइक ये जिस तरह का इसका देखने का ना इतना वैसा, वो ज़रा प्लेन हो गया था लाइक सैंड। ठीक है, तो मैंने सोचा, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सेकेंड, मैंने आप लोगों को ये भी बताना था कि जो है मेरा माइक ख़राब हो चुका है, तो अब मैं न्यू माइक जो है परचेज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ख़राब कैसे हुआ? ख़राब ऐसे हुआ कि वो पानी में आई थिंक गिर गया, काफ़ी 2-3 दफ़ा गिरा, जिसकी वजह से वो साउंड जो है वैसे नहीं कैप्चर कर रहा जैसे उसे करना चाहिए। तो अब मैं न्यू माइक जब तक परचेज़ नहीं करती, तब तक प्लीज़ 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 थोड़ा सा ना आप लोग कंप्रोमाइज़ ज़रूर करिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने और बहुत सी न्यू चीज़ें जो हैं वो बाई की हैं, लाइक प्योर सीमेंट बाई किया है, टब बाई किया और स्टेनर लिया, और उसके अलावा कुछ शेप्स ली हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा प्लीज़, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं जल्दी बाय कर लूँ। तो ओके, थोड़ा कल रात को आंधी और आजकल शाम के इवनिंग के टाइम में मैं वीडियोस शूट करती हूँ, तो इवनिंग के टाइम में वीडियोस इतना ज़्यादा शोर होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कल भी मैंने सिर्फ एक वीडियो शूट की है जो मैंने सुबह लगा भी दी, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें इतना शोर है, इतनी आजकल शाम में ना नाते लगा देते हैं वो, लाइक एरिया ऐसा है, अब नात लगी हो बंदा किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, तो बस फिर कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। दूसरा, आजकल आंधी आ रही है, किसी भी दिन बारिश आ सकती है। चलो खैर, पहले जो है ना ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो फिर कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना बिल्कुल फ्रेश प्योर सीमेंट है। फ्रेश प्योर सीमेंट का खुद ही पता चल जाता है उसकी, उसका मतलब वे ही ऐसा होता है। एंड सेकेंड ये कि मैंने इसको पहले से ही सारा सिफ्ट कर लिया हुआ है, अब सिर्फ आपने इसमें पानी चेक करना है। ठीक है, पानी का हिसाब हम इसके साथ लगाते हैं आज, ठीक है, क्योंकि वैसे आप लोगों को समझ नहीं आता तो इस वजह से। अब ये देखिएगा, मैं पहले सिर्फ ये एक डालूंगी, ये बस इतना। इसकी आप मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, बहुत छोटी सी शेप है। ठीक है, मुझे तो ये भी पानी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये फ्रेश है ना, बट ये एक डाल देंगे हम, देखते हैं फिर उसके बाद क्या बनता है। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्योर सीमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि ये बना हमसे बनता नहीं है या हार्ड हो जाता है, नहीं, आप इसको बनाएं, आप इसको थोड़ा बनाएं, सिर्फ अपने लिए बना बना के इसकी ट्राई करें। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे होता था, मैंने इसकी ट्राई कर कर के फिर मैंने इसको, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ही बनता है, मेरे से भी हार्ड हो जाता है कभी कभी, कभी कभी इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो लाइक उठाया ही नहीं जाता, टूट जाती हैं शेप्स। ठीक है, देख लें, इसमें अभी हमें पानी का पता भी नहीं चला किधर गया है, अभी इसमें और पानी डालेगा और हम यही वाला मोल्ड यूज करेंगे। अगेन एक कप डाल के देखेंगे। ठीक है, लुक, गर्मी इतनी है ना इस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकती, पाकिस्तान में इस कदर गर्मी है, इतनी धूप है, कोई हद नहीं, बहुत धूप है, और इस टाइम तो वीडियो भी नहीं बन सकती।
अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो मैं जो सीमेंट से बना रही थी वो किधर गया। तो जी वो सीमेंट जो है ना मैंने अपने टेक्सचर्स के अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रीयूज हो चुका था कि उसकी ग्रिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मेरी जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस उसके साथ बनाई ना प्योर सीमेंट की, तो उसने लाइक शेप सी ग्रिप नहीं हुई सही तरह से, टूट रही थी। तो फिर मैंने उसको जो है ना सैंड के साथ मिक्स करके जो भी मैंने अपने टेक्सचर्स बढ़ाने थे मैंने वो बढ़ाए हैं सैंड एंड सीमेंट को मिक्स करके। तो आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपके टेक्सचर इतने डस्टी कैसे होते हैं, तो उनकी रीज़न यही है कि मैं ऐसे सीमेंट, वैसे भी जब आप मोल्ड करने लगते हैं तो ऐड करते हैं ना, ऐसे भी ये सीमेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ग्लव्स पहनने थे, मैं वो भी भूल गई हूँ पहनने। ऐसे ही होता है मोस्टली। ये ग्रिप तो कर रहा है, ये देखें थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है अभी ये वैसे ग्रिप नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। सिर्फ हमने प्योर सीमेंट को यही चेक करना होता है कि ये ग्रिप कर रहा है, ये देखें ये इतना ग्रिप कर रहा है, इसको इससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसे सिफ्ट भी करना है, क्योंकि ये स्टोन्स ये बन जाते हैं तो ये यहीं पे हार्ड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये इनफ होगा, बट ख्याल ही ख्याल होता है। मैं एक्चुअली चेक करती हूँ कि ये जो है अच्छे से ग्रिप करे, और आप लोग सुनाएं क्या क्या करते हैं गर्मियों में। एक्चुअली आजकल ये भी हो रहा है कि एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा ना एक और काम होता है कि शाम के टाइम पे ना जितने भी आसपास लोग होते हैं ना ऊपर चढ़ाते हैं, और वो फिर इतना ज़्यादा शोर हो जाता है, इतना ज़्यादा शोर हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती यार कि मैं वीडियो शूट कैसे करूँ। कभी यहाँ से शोर, कभी वहाँ से शोर, बहुत तंग करते हैं लोग भी। बंदा अब किसी को कह भी नहीं सकता कि यार तो इतने चुप कर जो। मेरे ख्याल से ये देखें ये इनफ पानी है, अगर आपने इसे सॉफ्ट रखना है। अगर आपने इसे थोड़ा हार्ड रखना है तो आप इसके अंदर और थोड़ा पानी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको ना लाइक वो करेंगे, इसको स्टेन कर लेते हैं, फिर हम इसको मोल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टेन जो है मेरे पास दो तरह के हैं, मतलब स्टेनर्स हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीक स्टेन करेगा, ये जो है थोड़ा सा मतलब ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है ये वाला, करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये देखें, इसने सारा ही कर दिया। इसके अंदर अब मैं ये डालूंगी, ये जरा ये भी इजी कर देगा, ठीक हो गया। डाल के देखते हैं, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता तो आराम से काम भी हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हैं बड़े बड़े से पानी के हैं ये, तो फिर इस तरह पानी सही तरह मिक्स नहीं हो पाता है। अगर मैं ऐसे ही से मोल्ड कर दूंगी ना तो ये हार्ड हो जाएंगे, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिटी हो जाएगा। ओके जी, मैंने इसको अच्छी तरह से सिफ्ट कर लिया, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। यही मेरा मेथड है बनाने का। मैंने इसके अंदर सिर्फ ये वाली जो शेप है इसकी 3 वो ऐड की हैं बस, ठीक है। पानी, ठीक है।
अब हम इसे मोल्ड करेंगे। मोल्ड के लिए मैंने ये चूज़ किया है, तो मरे मरे हाथों से हम इसको दबाएंगे तो ये जो है वो सॉफ्ट ही रहेगी, लाइक जुड़ेगी नहीं अच्छे से, इसलिए आप इसको ज़रा हार्ड हाथ लगाएं। और वैसे तो मेरे प्योर सीमेंट आजकल सही बन नहीं रहा, बिकॉज पता नहीं क्यों क्या मसला हुआ है। ओके इसको हम निकालते हैं, यहाँ पे निकालूंगी मैं, अब जरा कैमरा एंगल सेट कर दूँ। वेट अ सेकेंड, मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, आई थिंक मैंने ज़्यादा इसको लाइक वो कर दिया। दुआ करें कि ये टूटी ना। ओके सो देखा है आपने, और ये पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, आपको नज़र आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके मैं अब इसको बाद में कंप्लीट करूँगी, जैसा कि आप दिखाऊँ अपना ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत ज़्यादा मैस है इस वक्त रूम में, देख सकते हैं आप, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी शेप्स बाहर का रिव्यू दे दूँ, ये देखें गर्मी इतनी है, धूप इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने प्योर सीमेंट की वॉल्स बनाई हुई थी, 2 दिन हो गए इनको बनाए हुए, बल्कि 3 दिन, क्योंकि प्योर सीमेंट का लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी में डालती नहीं हूँ, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से ना काफ़ी सॉफ्ट बन रहा है, उठाया ही नहीं जाता। तो मैंने इसकी ना फिर ज़्यादा पानी डाल के इसकी मैंने वो बनाई थी, देख सकते हैं आप। ये हैं कुछ स्लैब्स बनाई हुई हैं मैंने, इनकी भी आज मैंने वीडियो शूट करनी है। ऑलमोस्ट सारे टेक्सचर्स ड्राई हैं, ये देखें, बिकॉज धूप काफ़ी ज़्यादा है तो आराम से टेक्सचर्स तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये है कि बनाने में थोड़ा मसला होता है। आजकल शोर आप सुन रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क अलग होता है और उसके अलावा शोर अलग है। ये मैंने न्यू टब लिया है, इसको मैंने ब्लैक कलर करना है, तो बस अब देखें क्या, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड प्लीज़ मेरा सेकेंड चैनल सब्सक्राइब करें, आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा सेकंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर भी बिल्कुल न्यू वीडियोस डालती हूँ मैं, इस पर भी न्यू वीडियोस डालती हूँ, बहुत कम होता है एक आधा वीडियोस जो है वो मैं ओल्ड डाल दूँ तो डाल दूँ, वैसे तो मैं न्यू ही वीडियोस डालती हूँ। एंड प्लीज़ सपोर्ट माई सेकेंड चैनल टू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इन्होंने तो तभी आना होता जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करनी होती है, सुने आवाज़ सुने, ये तो जब मैं वीडियो शूट भी कर रही होंगी ना तब भी। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, उन लोगों का भी काम है, उन्होंने भी कमाना है, हमने भी कमाना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी ना वीडियोस पूरी देखा करें ताकि हमें अच्छा रेवेन्यू आए, बल्कि जितने भी ASMR आर्टिस्ट हैं मैं यही आप लोगों को कहूँगी, सब में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इवन के अपना जो है ना रंग रूप भी इंसान कहता है कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप जितने भी हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, सीनियर्स हैं, आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट किया करें, मुझे भी सपोर्ट किया करें, उन्हें भी सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये काम बहुत, ये दिखने में इजी लगता है लेकिन ये इजी नहीं है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दी ट्यूटोरियल वीडियो, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं जल्दी ही न्यू माइक का अरेंज करूँगी इंशाल्लाह, सून, तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड हाँ, सेकेंड चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।